गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? मस्त मजे में? टन टना टन। चलो तो आज हम क्या देखेंगे? आज हम देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है? तो तुम्हारे स्टेट बोर्ड के सिलेबस में जो उससे रिलेटेड पॉइंट दिए गए हैं, पहले हम वो पॉइंट देखेंगे। चलो, डिफरेंट हार्मोन्स कंट्रोल द फंक्शनिंग ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम थ्रू केमिकल कोऑर्डिनेशन। कौन से हार्मोन हैं जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम का केमिकल कंट्रोल करते हैं? तो नंबर एक है पिट्यूटरी ग्लैंड, जो जिसका हार्मोन रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कंट्रोल करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड इट सिक्रेट्स हार्मोन। पिट्यूटरी ग्लैंड कौन सा हार्मोन सिक्रेट करती है? नंबर एक FSH। पिट्यूटरी ग्लैंड FSH हार्मोन सिक्रेट करती है। FSH बोले तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्या है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। बच्चों, ये हार्मोन क्या चीज है? हार्मोन इज अ केमिकल सब्सटेंस। हार्मोन इज अ केमिकल सब्सटेंस सिक्रेटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स। जो अपने अंदर बॉडी के अंदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स रहती है, वो जो हार्मोन सिक्रेट करती है, वो जो केमिकल सब्सटेंस सिक्रेट करती है, उस केमिकल सब्सटेंस का नाम क्या है? हार्मोन्स है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड कौन सा हार्मोन सिक्रेट करती है? FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। नंबर दो LH। LH उसको दूसरा भी नाम है ICHS। तो वो क्या है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। उसे क्या कहा जाता है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। नंबर दो टेस्टिस इन मेल। ये जो ग्लैंड है, ये ग्लैंड टेस्टिस है जो मेल के अंदर होती है। ये ग्लैंड कौन सा हार्मोन सिक्रेट करती है? टेस्टिस जो है वो टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन सिक्रेट करती है। कौन सा हार्मोन? टेस्टोस्टेरोन। ये मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन है। नंबर तीन ओहरी इन फीमेल। ओहरी इन फीमेल टू टाइप ऑफ हार्मोन सिक्रेट करती है। वो कौन से हार्मोन है? नंबर एक है इस्ट्रोजन और नंबर दो है प्रोजेस्टेरॉन। कौन सा हार्मोन? इस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, ये दो हार्मोन ओहरी सिक्रेट करती है। एक ग्लैंड है पिट्यूटरी ग्लैंड, दूसरी ग्लैंड है टेस्टिस इन मेल और तीसरी ग्लैंड है ओहरी इन फीमेल। पिट्यूटरी ग्लैंड कौन सा हार्मोन सिक्रेट करने वाली है? वो दो हार्मोन सिक्रेट करने वाली है, एक FSH और दूसरा LH। FSH का फुल फॉर्म क्या है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और LH का फुल फॉर्म है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। जो मेल के अंदर टेस्टिस है, वो टेस्टिस कौन सा हार्मोन सिक्रेट करने वाला है? टेस्टिस टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन सिक्रेट करने वाला है। अब जो ओहरी है फीमेल में, ये ओहरी कौन से हार्मोन सिक्रेट करने वाली है? ओहरी इस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, ये दो हार्मोन सिक्रेट करने वाली है। गॉट इट? चलो हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजेस इन ह्यूमन बॉडी ऑकरिंग ड्यूरिंग ऑनसेट ऑफ सेक्सुअल मैच्योरिटी। कौन से हार्मोन सेक्सुअल मैच्योरिटी आने के बाद एक्टिव होते हैं या चेंजेस लाते हैं? बॉयज और गर्ल्स में चेंजेस लाने वाले हार्मोन कौन से हैं? नंबर एक टेस्टोस्टेरोन इन मेल बॉडी। जो मेल रहते हैं, मेल को बियर आना, उनका वॉइस चेंज होना, ये जो है
तो वो किसकी वजह से होते हैं? टेस्टोस्टेरॉन के होते हैं, टेस्टोस्टेरॉन की वजह से होते हैं। और गर्ल्स के अंदर इस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन रहते हैं, वो फीमेल बॉडी में इस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, जिनकी वजह से उनका वॉइस चेंज होता है, ब्रेस्ट की साइज चेंज होती है, उनका मेंस्ट्रुएशन साइकिल की शुरुआत हो जाती है। चलो देखेंगे आगे, वो भी हमको पढ़ने का है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एनेक्टेड द लॉ टू फिक्स द मिनिमम एज ऑफ मैरिज एज 18 इन द गर्ल एंड 21 इन द बॉयज। फाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एनेक्टेड द लॉ टू फिक्स द मिनिमम एज ऑफ मैरिज एज 18 ईयर इन गर्ल्स एंड 21 इन बॉयज बिकॉज। बिकॉज नंबर वन, देयर बॉडी इज नॉट फुल्ली मैच्योर बिलो 18 ईयर इन गर्ल्स एंड बिलो 21 ईयर इन बॉयज। देयर बॉडी इज नॉट फुल्ली मैच्योर, किसके लिए? रिप्रोडक्शन के लिए। उनकी बॉडी फुल्ली मैच्योर नहीं है, उनकी बॉडी फुल्ली डेवलप्ड नहीं है। नंबर दो, दे डू नॉट अटेन फिजिकल एंड इमोशनल मैच्योरिटी अप टू दैट एज। उस एज तक उनके अंदर फिजिकल और इमोशनल मैच्योरिटी नहीं आती है। नंबर तीन, टू कीप इंडिविजुअल्स एंड देयर प्रोजेनी सेफ। अगर तैयार हुए वाले इंडिविजुअल सेफ नहीं रह रहे, वो अगर डिलीट हो जा रहे, नष्ट हो जा रहे, तो ये रिप्रोड्यूस होने का कोई मतलब ही नहीं है। तो वो जिंदा रहना चाहिए, उनकी लाइफ चलनी चाहिए। टू कीप इंडिविजुअल्स एंड देयर प्रोजेनी सेफ एंड हेल्दी, गवर्नमेंट डू दिस। त्यांचे इंडिविजुअल्स, उनके जो इंडिविजुअल्स है वो सेफ रहने के लिए, ये सेफ और हेल्दी रहने के लिए गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया है। गॉट इट? चलो और जानकारी हम हासिल करेंगे। जो ह्यूमन मेल होता है, उस ह्यूमन मेल के अंदर एक्स वाई सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। कौन से? एक्स वाई। तो एक्स एक गैमेट है और वाई एक गैमेट है, ऐसे दो डिफरेंट गैमेट है। तो जो क्रोमोसोम की पेयर है, वो क्रोमोसोम की पेयर, उसमें अगर डिफरेंट गैमेट है तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हेटरोगैमेटिक। तो ह्यूमन मेल जो है वो कैसा है? ह्यूमन मेल हेटरोगैमेटिक है। कौन हेटरोगैमेटिक है? ह्यूमन मेल हेटरोगैमेटिक है। क्यों हेटरोगैमेटिक है? क्योंकि उसके अंदर के जो गैमेट है वो डिफरेंट है। कौन से गैमेट है उसके अंदर? एक गैमेट है यक्स और दूसरा गैमेट है वाई। नेक्स्ट पॉइंट, ह्यूमन फीमेल हैव एक्स वाई सेक्स क्रोमोसोम। तो ह्यूमन फीमेल के अंदर कौन से क्रोमोसोम्स हैं? एक्स एक्स, सॉरी, ह्यूमन फीमेल हैव एक्स एक्स क्रोमोसोम, एक्स एक्स क्रोमोसोम है। तो ह्यूमन फीमेल की कितने गैमेट फॉर्म करेगी? टू। कौन से? एक एक्स और दूसरा भी एक्स। तो दोनों गैमेट क्या हो गए? सेम हो गए, एक्स और एक्स। अगर दोनों गैमेट सेम है तो हम कहेंगे ह्यूमन फीमेल इज होमोगैमेटिक। तो वो कैसी है? होमोगैमेटिक। कौन कैसी है? ह्यूमन फीमेल इज होमोगैमेटिक। क्यों ह्यूमन फीमेल इज होमोगैमेटिक? ह्यूमन फीमेल इसलिए होमोगैमेटिक है क्योंकि उसके अंदर के जो गैमेट है वो सेम है, होमो यानी सेम, इसलिए उसको क्या कहा जाता है? होमोगैमेटिक कहा जाता है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम विथ स्पेसिफिक ऑर्गन्स डेवलप्स इन द बॉडी ऑफ मेल एंड फीमेल ड्यू टू सेक्स क्रोमोसोम ओनली। रिप्रोडक्टिव सिस्टम विथ स्पेसिफिक ऑर्गन्स
develops in the body of the male and female due to sex chromosome only. ये सेक्स क्रोमोसोम की ही वजह से डिफरेंट ऑर्गन मेल के अंदर और डिफरेंट ऑर्गन फीमेल के अंदर डेवलप होते हैं। आई क्या तुमको बात समझ में? चलो आगे बढ़ेंगे। एक्स क्रोमोसोम इज प्रेजेंट इन बोथ मेल एंड फीमेल। ये जो एक्स क्रोमोसोम है ये दोनों के अंदर है, मेल के अंदर भी एक्स क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम या एक्स गैमेट कहो, मेल के अंदर भी एक्स गैमेट है और फीमेल के अंदर भी एक्स गैमेट है। वाई क्रोमोसोम इज प्रेजेंट ओनली इन मेल। जो वाई क्रोमोसोम है वो खाली मेल के अंदर है, क्रोमोसोम कहो यहाँ पर या गैमेट कहो। चलो तो मेरे ख्याल से आज हम यही रुकेंगे। तो आज हमने क्या देखा, ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जो कुछ पॉइंट आते हैं उन पॉइंट को हमने अच्छी तरीके से समझ लिया है। अब हम आगे के पार्ट में ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, हाँ जो ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके बारे में पढ़ेंगे, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे और बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज हम यही रुकेंगे। चलो बाय।